उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत है जिसके चलते कल से हम देख रहे हैं राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वो हैं शिवपाल सिंह यादव। फिर खबर है कि क्या चाचा और भतीजे की भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी राज्यसभा का रास्ता कमल थमाकर दिखा सकती है और उनके बेटे आदित्य के लिए तय कर सकती है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो। आदित्य यादव को आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी लड़ा सकती है, क्योंकि आजमगढ़ की लड़ाई आसान बीजेपी के लिए कतई नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश जरूर करेगी कि इस लड़ाई को पारिवारिक लड़ाई बना दिया जाए। कैसे अखिलेश यादव ने छोड़ी है वो सीट, तो क्या वो अब अपनी पत्नी डिंपल यादव को देते हैं? और अगर डिंपल यादव लड़ती हैं तो उधर दूसरी तरफ उनके चचिया ससुर के बेटे होंगे, तो ये लड़ाई कैसी हो जाएगी? सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री, उनसे हमारे सहयोगी ने जब बातचीत की, इशारों में बहुत कुछ कहा, क्या कहा सुनिए जरा आप भी। कल से शिवपाल सिंह यादव से बात करें, बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्या आपके साथ आने वाले हैं? जो इसमें बड़ा लक्ष्य है, वो एपिसोड काफी दिनों से चल रहा है। कल सर मुलाकात हुई आपसे और सीएम से, अब जल्दी आप कोई नई चीज देखोगे, मतलब कुछ होने वाला सर, जल्दी देखोगे। कल से शिवपाल सिंह यादव से बात करें, बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्या आपके साथ आने वाले हैं? जो इसमें बड़ा लक्ष्य है, वो एपिसोड काफी दिनों से चल रहा है। कल सर मुलाकात हुई आपसे और सीएम से, अब जल्दी आप कोई नई चीज देखोगे, मतलब कुछ होने वाला सर, जल्दी। मयूर शुक्ला हमारे साथ में प्रसपा मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मयूर, प्रसपा मुख्यालय पर आप मौजूद हैं, अंदर हैं मौजूद शिवपाल यादव। ये जो चाबी है शिवपाल यादव के हाथ में, इससे साइकिल का ताला तो खुला नहीं, नतीजा कुछ अच्छा नहीं आया और चाचा और भतीजे में बहुत कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन कमल का दामन थाम सकते हैं। क्या खबर निकल कर आ रही है प्रसपा मुख्यालय से? बिल्कुल, देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और शिवपाल सिंह यादव अंदर मौजूद हैं, अपने पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। चूंकि अभी जब मैं अंदर मौजूद था तो एक जो उनके नेता थे वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम कर रहे थे कि जो योगी आदित्यनाथ से, अमित शाह से जो मुलाकात हुई है, ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट है, इसको अन्यथा तरीके से मत लीजिए। तो स्पष्ट है ये बात कि हलचल जरूर पार्टी में मची हुई है इस बात को लेकर कि शिवपाल सिंह यादव किधर जा रहे हैं। हालांकि जैसे कि सुरेश खन्ना पार्टी में बड़ा कद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की तो साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि एपिसोड अभी चल रहा है और बड़ी पिक्चर में मयूर बहुत कुछ हो जाता है। आपने खुद रिपोर्ट किया था, अपर्णा यादव ने शिष्टाचार मुलाकात ही तो की थी, शिष्टाचार में ही तो कहा था कि योगी आदित्यनाथ उनके राजनीतिक गुरु हैं, और उसी शिष्टाचार में ये हुआ कि उन्होंने साइकिल का दामन छोड़कर कमल थाम लिया। हो सकता है कि शिवपाल यादव अभी जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां देख रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को या सभी को खबर ना लगने दे रहे हो, पहले रणनीति बना रहे हैं, देख रहे हैं मैदान कहां तक खुला है, बैटिंग कहां तक हो सकती है। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल शब्द है ये, सभी नेता यही कहते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इस शिष्टाचार मुलाकात में बहुत कुछ हो जाता है और जिस तरीके से राज्यसभा भेजने की बात जो निकल के आ रही है, की जा रही है, कहीं ना कहीं इसको हम 100% मान के चलें, और क्योंकि उनके बेटे आदित्य यादव को भी सरकार में एडजस्ट करने का जो है वो काम किया जाएगा, तो ऐसे में जिस तरीके से पूरा ये जो घटनाक्रम चल रहा है अभी, हालांकि शिवपाल सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को भी कोई भी भनक नहीं लगने दे रहे हैं, जो कोर कमेटी की बैठक है उसके अंदर चल रही है। हम दिखा दें पार्टी कार्यालय पर अपने कैमरा पर्सन चाहें कि अंदर मौजूद हैं, तमाम यहां पे खड़ी हैं, पूरे प्रदेश भर के जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया, और कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी यहां से लग रहा है कि उनसे भी पूछा जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और कहीं ना कहीं एक जो है सलाह जरूर ली जा रही है कि आगे क्या कुछ करना है। मयूर, आप अंदर भी गए थे, जो आपने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की थी और प्रसपा के लिए 100 टिकट मांग रहे थे शिवपाल यादव, नहीं मिले, 100 सीटें नहीं मिली, एक ही सीट मिली और एक सीट पर जीत लिए, लड़े भी और जीत भी हासिल की, और वो ऐसी सीट थी जहां से लड़ते किसी भी पार्टी से जीत हासिल होती। लेकिन अब अपने पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से जब बातचीत कर रहे हैं या जब आप अंदर मौजूद थे, कार्यकर्ता क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? क्या इस बात से संतुष्ट थे कि ठीक है अखिलेश यादव का दामन छोड़ दीजिए, आप जो आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं और आप बीजेपी की तरफ रुख कीजिए, उसमें आदित्य यादव और आपका भी फायदा है। लौट रहे हैं आपके पास में। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नेताजी से जुड़ी ये बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को हरी झंडी दिखा दी है और कहा है कि आप बीजेपी थाम लीजिए, बीजेपी का दामन थाम लीजिए। बीजेपी के बड़े नेताओं से शिवपाल यादव की मुलाकात, सीएम योगी से भी शिवपाल यादव ने मुलाकात की, बीजेपी आलाकमान शिवपाल यादव पर मंथन कर रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, शिवपाल यादव के रोल पर बीजेपी मंथन कर रही है। और ये भी ध्यान रखिए कि समाजवादी पार्टी या यादव परिवार से जुड़ी किसी भी रणनीति में मुलायम सिंह यादव का
जो पक्ष है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, इस बात का जिक्र हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने हरी झंडी दिखा दी कि आप जा सकते हैं, ये अपर्णा यादव के केस में भी हमने देखा था, लेकिन फिर उसी सवाल पर आती हूं कि जब आप अंदर मौजूद थे, कार्यकर्ताओं से आप बातचीत कर रहे थे, कार्यकर्ता क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये कि ठीक है अखिलेश जी नहीं दे रहे तवज्जो, छोड़ दीजिए साइकिल के कैरियर पर मत बैठिए और कमल थाम लीजिए? बिल्कुल देखिए, अपर्णा यादव का एग्जाम्पल आपने दिया और वो स्पष्ट भी है, वो जो उन्होंने जाके मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया, उसके बाद जाके चुनाव लड़ी और माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो ऐसे में मुलायम सिंह से इनकी भी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन हरी झंडी वहाँ से मिली है कि नहीं ये स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल ये इनके ऊपर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कभी ये नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाओ, क्योंकि समाजवादी पार्टी को खड़े करने में जो हाथ रहा है वो शिवपाल यादव का हमेशा से रहा है। लेकिन जो अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन मैं अंदर मौजूद था, तो तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता नेता अंदर मौजूद हैं, उनको एक पार्टी के नेता यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके की पार्टी में हलचल ना हो, भगदड़ ना हो, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार चल रहा है तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी सोच रहे हैं कि आखिरकार उनकी पार्टी किस दिशा में जा रही है, साइकिल की जो माफ कीजिएगा जो चाबी साइकिल के साथ होनी चाहिए थी क्या वो अब कमल के साथ जा रही है। तो ऐसे में कोई भगदड़ ना मचे, हलचल ना हो, इसको लेकर समझाने की कोशिश जो है की जा रही है कि शिष्टाचार मुलाकात है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने वहां पर कुछ भी नहीं बोला, वो अपने कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ अंदर कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं और जरूर इस बात पर चर्चा हो रही है, गहन चर्चा चल रही है कि आखिरकार आगे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि 100 सीटों की आप बात कर रहे थे, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 15 से 20 मांगी, उसके बाद 7 से 8 मांगी और वो भी नहीं दी, और सिर्फ एक सीट जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो भी अपने सिंबल पर वो नहीं लड़ पाए। तो ऐसे में वो समाजवादी पार्टी से जीत कराए हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, तो उनको जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो उसमें क्यों नहीं बुलाया गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर सहयोगी दल उनको कहते हैं तो फिर उनको अपने सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया? और जब सहयोगी दल के तौर पे उनको इनवाइट भी किया तो शाम को 5 बजे बैठक है, वो दिल्ली में होते हैं, आप 2:30 बजे उनको इनवाइट करते हो तो वो कैसे आ पाएंगे? तो लगातार जो नजरअंदाजी जो की जा रही है उससे आहत है, परेशान है, नाराज है। और कई बार ये पिछले एक साल से लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि चाचा शिवपाल यादव भतीजा अखिलेश यादव से नाराज है, नाराज है, लेकिन ये नाराजगी का अंत कब होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार नाराजगी बनी हुई है और कोई सॉल्यूशन फिलहाल नहीं निकल रहा है इसका। और हम भी बातचीत कर रहे थे, जब मैं खुद भी जसवंत नगर में मौजूद थी, बातचीत की, तो उस दौरान उन्होंने भी कहा कि मैंने नेता मान लिया है, यानी कि अब एक खुला मैदान शिवपाल यादव को दिखाई दे रहा है कि इस मैदान पर अब बैटिंग की जा सकती है। बहुत